नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ Mentor में। आज तारीख 4 दिसंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वर्तमान में चल रहे दिल्ली पुलिस एग्जाम में से हमारे ही द्वारा कराए करंट अफेयर स्टैटिक जीके में से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, 90%। और अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है एनटीपीसी को। एनटीपीसी में भी हम देखिएगा हमारे ही द्वारा कराए गए क्वेश्चनों को धुआंधार आप एनटीपीसी में करके आएंगे, और जिन्होंने हमारे साथ लग करके शुरू से पढ़ा है वो एनटीपीसी में आने वाले करंट अफेयर स्टैटिक जीके को एकदम हवा की तरह उड़ा देंगे। क्या दोस्तों, हवा की तरह उड़ा देंगे। तो आइए उड़ाने के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है। तो आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ दोस्तों अर्जुन मुंडा ने किया है। आइए अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं जम करके। पहली चीज तो आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का जो शुभारंभ किया है ये किसके द्वारा किया गया, अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। तो अब अर्जुन मुंडा कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा ही है। और इन्होंने क्या किया है, मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया है। अच्छा आदि महोत्सव मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये 10 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। कब से कब तक चलेगा दोस्तों, तो 1 दिसंबर 2020 से इसके शुरू कर दिया गया है। और कब तक चलेगा ये 10 दिसंबर तक चलेगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर चलेगा। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो दोस्तों इसकी मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर की जा रही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आपके द्वारे सरकार अभियान सरकार ने बड़े पैमाने में शुरू किया है। क्या है क्वेश्चन, आपके द्वारे सरकार अभियान किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने में शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों बहुत ही बड़े पैमाने पे किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार नाम का एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू किया। तो आइए पश्चिम बंगाल का पोस्टमार्टम करते हैं जम करके। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। पूछा जाए परीक्षा में कि वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ममता बनर्जी है। राज्यपाल का नाम क्या है, जगदीप धनखड़ है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या बोले तो 295 है। और कभी कभी एक क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा तरीके से घुमा के पूछा जाएगा, लोघा भूमिज संथाल लेपचा इन चारों में से कोई भी एक जनजाति दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में से यह जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। तो दोस्तों लोघा पूछे, भूमिज पूछे, संथाल पूछे, लेपचा पूछे, आंख बंद करके मार देना दोस्तों पश्चिम बंगाल की ये जनजातियां हैं। और अगर दोस्तों खासकर जो यूपी टेट और सीटेट वाले क्वेश्चन है, सुपर टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां कहां क्या क्या है पश्चिम बंगाल है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है, या फिर राज्य का नाम दे देगा और चार दे देगा राष्ट्रीय उद्यानों का नाम, कहेगा कि इनमें से कौन सा राज्य इसमें है, इस राज्य में है, फलाने राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आसानी से आपको कर ले जाना है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन, पहली कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कहां बनकर तैयार हुई है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की कोलकाता में तैयार हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है, एनटीपीसी का लिखा हुआ क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन छुपा हुआ आपको मिल जाने वाला है एकदम। तो कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत दोस्तों पश्चिम बंगाल ने की है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पे विकसित किया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री सिस्टम दोस्तों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पदश्री अभियान, ये दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और एनटीपीसी में भी आने की 100% गारंटी है। तो पदश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों किस राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का हाल ही में निधन हो गया है, तो पश्चिम बंगाल के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों किस राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हांसदा का निधन हो गया है, तो यह भी दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हांसदा का निधन हो गया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में छपा हुआ आपको मिलने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा,
कि भारत का पहला टायर पार्क कहां बनने जा रहा है, तो भारत का पहला टायर पार्क दोस्तों पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू की गई है और पश्चिम बंगाल राज्य ने दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। देना हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों एमडीएच मसाला की कंपनी के जो मालिक है धर्मपाल गुलाटी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था इनका धर्मपाल गुलाटी जी का, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वर्ष 1923 में। कहां पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में कहां पे? पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। और इनको दोस्तों दालाजी महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। 2019 में इनको देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। देना हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन है ये 3 दिसंबर को मनाया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन को मनाने की घोषणा किसने की थी दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1992 में की थी दोस्तों। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 2020 का जो थीम था वो थीम क्या था? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ठीक है, अगर बात करें किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है। पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 हुई थी। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। देन तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है कि 1970 के बाद से क्या दोस्तों? 1970 के बाद से देश का स्पेसक्राफ्ट, किस देश का स्पेसक्राफ्ट चांद से चट्टानों के सैंपल लेकर आया था? दोस्तों 1970 के बाद से चाइना देश का स्पेसक्राफ्ट चट्टानों पर से चांद का सैंपल लेकर आया है। अब आइए चाइना का पोस्टमार्टम किया जाए। तो दोस्तों पूछा जाता है परीक्षा में चाइना की राजधानी क्या है? तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। अच्छा, इस बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनमिनबी किस देश की करेंसी है? तो दोस्तों रेनमिनबी चाइना देश की करेंसी है। कई बार कराया है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे वो एकदम करके आए हैं। उन सभी ने हमें मैसेज किया था कि सर आपने जो पढ़ाया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग पढ़ाया है, आपको पढ़ाया हुआ 90% क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में फंसा, एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन गया। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपका सिलेक्शन, और वो सिलेक्शन किसी भी हाल में होना चाहिए क्योंकि दोस्तों असफलता आपकी हिम्मत से बढ़कर के नहीं है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते हुए चलिएगा, दोस्तों तक शेयर करते हुए चलिएगा। अब पूछा जाता है दोस्तों कि चाइना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। और पूछा जाएगा एग्जाम में कि चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? तो चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम दोस्तों लियोनवेन 1 है। अच्छा, एनटीपीसी का एकदम ऑथेंटिक छपा हुआ क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा कि 2022 के एशियन गेम्स कहां पे होंगे? तो 2022 के एशियन गेम्स दोस्तों चाइना में होंगे। इसके अलावा दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में कौन भेजेगा? तो चाइना भेजेगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने एक बड़े गजब का काम किया है, मतलब ये क्या किया है कि हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनका एडमिशन उनके इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के अनुसार नहीं लेगा, बल्कि चाइना हाई स्कूल के छात्रों का प्रवेश उनके आंखों और वजन के आधार पर करेगा। ये चाइना दुनिया का ऐसा पहला और यूनिक देश है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके द्वारा यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो चाइना है। और दोस्तों अभी आप जान रहे हो कि आजकल पाकिस्तान और चाइना की बहुत ज्यादा दोस्ती जारी हो रही है, जय और वीरो वाली जैसे जोड़ी होती जा रही है पाकिस्तान और चाइना की। तो सवाल यह उठेगा कि किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? पहली दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है। देन दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एनटीपीसी में कि दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो चाइना ने ही शुरू किया है। और यह भी एनटीपीसी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखा हुआ मिलेगा, दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चाइना के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चाइना के वुहान शहर में किया गया है। देन दोस्तों आईटीटीएफ महिला विश्व कप खिताब किस देश की चेन मेंग ने जीता है? तो दोस्तों चाइना देश की चेन मेंग ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने सेवानिवृत्त
सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून को अपनाया है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बनाया हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 क्या चांग E5 चाइना ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया। तो छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया है। चलिए अब उत्तराखंड का पोस्टमार्टम किया जाए। तो पहला सवाल तो हमारा यही बनता है, खासकर कि आपके एनटीपीसी की परीक्षाओं में और लेखपाल पटवारी जैसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। किससे अलग होकर के उत्तराखंड बना था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के दोस्तों उत्तराखंड बना था। अच्छा, यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाए तो गैरसैंण है, ध्यान रखिएगा। केवल राजधानी पूछे देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो गैरसैंण, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल का नाम पूछे तो बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 5 है। राज्यसभा में पूछा जाए तो 3, विधानसभा में पूछा जाए तो 70। और अगर प्रमुख भाषाएं पूछ ली जाए उत्तराखंड की तो गढ़वाली, कुमायनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये वहां की प्रमुख भाषा है। और उत्तराखंड की अगर लोक नृत्य की बात हम लोग कर लें तो गढ़वाली, कुमायू, कजरी, झोरा, रासलीला, ये वहां के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और कभी कभी दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, खासकर आपके टेट की और सुपर टेट की परीक्षा में। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में गंगा है, सरयू है, अलकनंदा है, भागीरथी है, धौली गंगा है, राम गंगा है, आसन बैराज है। इसके अलावा ये वाला लाइन तो जरूर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट के जो एस्पिरेंट है, जो टेट के एस्पिरेंट है, कि वन उत्तराखंड के वन और राष्ट्रीय उद्यानों को पूछा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, कहां पे है? उत्तराखंड के नैनीताल में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, तो ये कहां है? उत्तराखंड के चमोली में है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो उत्तराखंड का दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सुपर टेट में कई बार, और दिल्ली में भी पूछा गया है, और रीट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे और जाने तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन भी किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। रंजना कला को उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। किसको दोस्तों? महिला गाइड को। और उत्तराखंड की DMC ने एक अभियान शुरू किया है। एक क्या है वो अभियान? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। NTPC का छपा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देश के सबसे लंबे मोटर वे सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। और किस राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। NTPC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ पूछा गया क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में और आने वाले आपके CGL और CHSL के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मास गार्डन कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों NTPC के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, किस राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने एड्स को 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों 2030 तक पूरी तरह से एड्स को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब मध्य प्रदेश ने कर दिया है, तो आइए फिर मध्य प्रदेश का भी हम लोग पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। यह MTS का आया हुआ क्वेश्चन है, यह लेवल है। सोचिए आप पढ़ रहे हमारी वीडियो से तो आपको पेपर नहीं हलवा लगेगा, हलवा आप लगेगा हमें पेपर देना ही नहीं है, इतना आसान कौन पेपर सेट करता है भाई। ये बस हमारे साथ ध्यान से आप जुड़े रहिए, सुनते जाइए, बस क्वेश्चन को देखिए, मजा आएगा। क्वेश्चन पेपर लगा करके देखिएगा, क्वेश्चन पेपर उड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों जो पेपर का ट्रेंड है स्टैटिक GK उठाने का, उनको उठाने, तो कोई भी ट्रेंड हमारे हिम्मत से बढ़ के कुछ नहीं है, हमारी तैयारियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम तैयारी ऐसी बनाएंगे पेपर कहीं से भी दे दो उड़ा देंगे। क्या दोस्तों? पेपर को हम उड़ा देंगे। चलिए
चलिए मध्य प्रदेश का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। सीएम का नाम पूछ ले शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर का नाम पूछ ले आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या बात है तो 11 है। लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो 29 है। विधानसभा की पूछो तो 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य पूछ ले राई है और राजकीय फसल सोयाबीन है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है खासकर आपके सीटेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए, पटवार वालों के लिए, लेखपाल भर्ती वालों के लिए और वीडियो वालों के लिए। क्या है कि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का नाम पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। दोस्तों एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना सिंपल तरीके से, ना एग्जामिनेशन में आपको किसी एक नेशनल पार्क का निम्न में से दे देगा और राज्यों के नाम लिख देगा, कहेगा भाई बताओ ये नेशनल पार्क किस राज्य में है। ये इनका फंसाने का ट्रिक होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट करते हुए चलिएगा। और मध्य प्रदेश की कभी कभी जनजातियां भी पूछी जाती है तो दोस्तों भिगोंड, भील, कोल, मारिया, कुरकू, बैगा, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियां है। इसके अलावा दोस्तों रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि प्लास्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट यानी कि पीपीएल कहां खेला जाएगा? इंदौर में खेला जाएगा। और दोस्तों यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के बायोस्फीयर, किस राज्य के रिजर्व, टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो पन्ना टाइगर, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान शुरू की है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने मुखिया ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का भी फैसला लिया है। और मध्य प्रदेश ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश, एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की भी शुरुआत की है। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण भी शुरू कर दिया है। देन हमारा अगला क्वेश्चन कहेगा कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव दोस्तों अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर आपके यूपी टेट वालों के लिए और सीटेट वालों के लिए, सीटेट नहीं, यूपी टेट और सुपर टेट वालों के लिए। क्या है क्वेश्चन? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है समझिएगा, पूछेगा इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की पहली, जिसको हम लोग प्रयागराज विश्वविद्यालय भी अब बोलते हैं, प्रयागराज विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है बनी है? तो दोस्तों प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव बनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनाया गया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। अच्छा इलाहाबाद आपका कहाँ है दोस्तों? तो इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों देव दीपावली महोत्सव वाराणसी शहर में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज आ रही है उनमें छपा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों वाराणसी में किया गया। वाराणसी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। अच्छा उत्तर प्रदेश में आ गया है, तो चलिए अब उत्तर प्रदेश का भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ ले लखनऊ, राज्यपाल का नाम पूछ ले आनंदीबेन पटेल पूछ ले। अच्छा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पूछा गया तो आनंदीबेन पटेल है। और अगर एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल का नाम पूछ लेगा तब क्या कहोगे? तो एमपी की भी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मध्य प्रदेश की राज्यपाल दोनों ही राज्यों की राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा और यह भी पूछ ले अगर कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की चांसलर कौन है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की चांसलर भी आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा अगर पूछे उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा 403 सीटें। और यह भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी है? 403 है। इसके अलावा दोस्तों अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। और एनटीपीसी के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। इसके अलावा टीबी रोगियों का पता लगाने के
अकेले उत्तर प्रदेश ने दोस्तों एक अभियान को भी शुरू किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अयोध्या ने दियो के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। और डीके ठाकुर को दोस्तों लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी यूपी ट्रिपल एससी के परिप्रेक्ष्य कि उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को, क्या सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खासकर यूपी ट्रिपल एससी और सुपर टेट के लिए बना बनने वाला क्वेश्चन है कि किस, और ये क्वेश्चन इस तरीके समझिएगा कि अयोध्या हवाई अड्डा जो था उसका नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है, उत्तर होगा अयोध्या हवाई अड्डा। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा करके एम्सा को लागू कर दिया है, ठीक है ना। एम्सा एक्ट एक तरीके का एक्ट होता है दोस्तों, इसको लागू कर दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों तमिलनाडु को लगातार 6ठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अगर तमिलनाडु की बात की गई तो आइए तमिलनाडु की भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ईके पलानीस्वामी है। राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। और पूछ लिया जाए दोस्तों कि तमिलनाडु के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 39 है। राज्यसभा में कितनी सीटें, 18 है। विधानसभा में पूछ लिया जाए तो 235 है। और अगर तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों की बात कर ले तो तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों में बड़गा है, टोडकोटा है, कोटा है, टोडा है। और अगर पूछ लीजिए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तो भरतनाट्यम। प्रमुख मंदिर पूछेगा तो मीनाक्षी बृहदेश्वर मार के आएंगे दोस्तों। इसके अलावा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है निकल करके सामने कि तमिलनाडु के दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो तमिलनाडु है, एक सेकंड, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन कौन से अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, वेदाम थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु ने पोस्ट COVID-19 फॉलोअप क्लिनिक को भी शुरू किया है। और एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण किस राज्य ने दिया है, तो तमिलनाडु राज्य ने दिया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु ने नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर को नियुक्त किया गया है। और ये भी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य में अम्मा मोबाइल लाइसेंस शॉप्स लॉन्च की गई है, तो तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी के हिसाब से दिल्ली पुलिस से पूछा गया सवाल कि अमेज़न ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहां खोला है, तो अमेज़न ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहां खोला है, तमिलनाडु में ही तो खोला है भाई। और ये भी दिल्ली, ये एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एनटीपीसी वाला। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य की योजना है, तमिलनाडु राज्य की योजना है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। अरे भाई ध्यान से देखते जाओ, नोट करते जाओ, एनटीपीसी में छपा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है, समझिए पेपर आउट किया जा रहा है आपके सामने। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% को टैक्स फ्री कर दिया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत भी की है। और दोस्तों तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य भी घोषित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहां किया गया है, तो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ दोस्तों आपके पुणे में किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से कौन, भारत का कौन सा स्थान है, तो आतंकवाद से प्रभावित सबसे अधिक देशों में प्रभावित भारत का स्थान 8वां है। 8वां स्थान है, भारत का नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों, भारत 8वें नंबर पे है। पूछा जाएगा कि आतंकवाद से प्रभावित अधिक प्रभावित देशों में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका अफगानिस्तान है। दूसरे नंबर पे पूछेगा तो दूसरे नंबर पे आपका इराक है। तीसरे नंबर पूछेगा तो तीसरे नंबर दोस्तों नाइजीरिया है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार, किसके अनुसार, GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्नाटका का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, तो कर्नाटका का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट बिदादी में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के दोस्तों मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रख दी है। और इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट को बनाने में कितने का खर्च आएगा, तो 260 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और इसे कब तक
शुरू कर देने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2022 तक सॉरी चालू करने का लक्ष्य रख दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, कर्नाटका के स्टैटिक जीके की, तो कर्नाटका का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। कर्नाटका की राजधानी पूछेगा बेंगलुरु, मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा V.S. येदियुरप्पा, गवर्नर का नाम पूछेगा वजूभाई वाला, और लोकसभा सीटें पूछ लेगा तो 28 है, आप जानते ही हैं। राज्यसभा पूछेगा तो 12, विधानसभा पूछेगा तो 225 है। वेरी गुड, आप लोगों का जवाब एकदम सही रहता है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मन से। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के अगर प्रमुख नृत्य की बात करें तो यक्षगान कुनीता करगा, ये वहां की प्रमुख नृत्य है। और प्रमुख नेशनल पार्क से अगर बात करें तो दोस्तों कर्नाटका में अंची नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। क्वेश्चन तो पता ही है कैसे पूछा जाएगा, आपको एक नेशनल पार्क का नाम दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ ये फलाने नेशनल पार्क किस राज्य में है, इस तरीके से आपको घुमाया जाएगा। अच्छा एनटीपीसी वाला क्वेश्चन ले लो भाई, एनटीपीसी वाला क्वेश्चन बिक रहा है कि किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो दोस्तों इसी राज्य ने ही तो शुरू की है, कर्नाटका राज्य ने। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना को भी शुरुआत की है। और दोस्तों किस राज्य की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना की गई है, एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो कर्नाटका की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना की गई है। और भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कहां स्थापित की गई है, भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कर्नाटका में स्थापित की गई है। और नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा, कर्नाटका में शुरू करेगा। और दोस्तों किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है, तो कर्नाटक ने ही किया है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी कहां स्थापित की गई है, तो कर्नाटक में स्थापित की गई है। और दोस्तों कर्नाटका बैंक ने कासा अभियान को भी शुरुआत की है। और तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटका के उडुपी के मछुआरों के लिए कड़ाकू एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और कर्नाटका सरकार ने दोस्तों प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत की है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि जो 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी के 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो दोस्तों बोरिस जॉनसन होंगे। अब सवाल उठता है बोरिस जॉनसन कौन है दोस्तों, तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है, क्या है भूल जाते हो बार बार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। और इनको वर्ष 2021 से गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, सभी दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करना होगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ Mentor स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी वीडियोस की PDF मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की डिटेल दी जाती है, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है, और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कराया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है वहां पे आपको। इसके अलावा अब आप हमको दोस्तों इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा IQ Mentor, बैकग्राउंड में दिख रहे आइकन को वहां पे आप प्रोफाइल फोटो में देख पाएंगे, वहां भी फॉलो करिए हमारे पोस्ट के माध्यम से, रोज कुछ ना कुछ वहां भी आपको नया सीखने को मिलेगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद दोस्तों।